एक साल नौकरी के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है कि मेरा डेट ऑफ बर्थ गलती से लिखा गया है एनडीए के टाइम। ये बात बहुत अच्छा। अपना बुढ़ारी में एक साल नहीं छोड़ रहे हैं और युवाओं का काटने पे तुले हुए हैं, यही राजनीति है। अरे वो बोलते कुछ है करते कुछ है, वो अपने भाजपा वालों को क्यों नहीं गार्ड में भेज रहे? हम तो दोबारा आएंगे पार्लियामेंट में, जब एक बार संसद बन जाते तो फिर से पेंशन चाहिए, अपना पेंशन बंद करवा लेना। अपने लिए तो दूसरी नीति है, यहाँ आम जनता के लिए दूसरी नीति है। अभी वो मेहनत कर रहे हैं, आप जा रहे हैं एसी में, आपके लिए सब्सिडी चाहिए खाना पे, सब्सिडी चाहिए, 40 रुपए का प्लेट चाहिए, तो क्यों? मंत्री बोलते हैं कि उनको गार्ड की नौकरी देंगे, गार्ड की नौकरी में मिलता क्या है? आप ये दिल्ली विश्वविद्यालय में गार्ड खड़े, एक बार आप इनसे पूछ के देखिए कि इनकी कितनी सैलरी है। जो भी भाजपा को सपोर्ट करता है वही देशभक्त है, बाकी सारे जिहादी हो जाते हैं। चाहे कोरोना के टाइम में आप देख लीजिए, चाहे फिर किसान आंदोलन में हो गया, तो भाई एक बात बताइए, सब लोग भाजपा ज्वाइन कर ले क्या? देशभक्ति का वही प्रमाण है। आप जाते हैं पता है सर पे कफन बांध के जाते हैं देश सेवा करने, आपको पता नहीं होता है कि अगले पल आप जीवित रहेंगे कि नहीं रहेंगे। आप परिवार से दूर रहते हैं, हम लोग एसी में बैठ के रहते हैं, लेकिन वो लोग बर्फ पे पहाड़ों में जंगलों में रोज मरते हैं, उनकी कौन पूछता है? अब जब वो 4 साल के लिए जाएंगे कि 4 साल बाद मुझे रिटायर होना है, तो बताइए क्या वो जान देंगे? अपनी देश की अर्थव्यवस्था को नरक में फेल दिया है, और जैसे जैसे ये करेंगे अर्थव्यवस्था बर्बाद किया है, ये कुछ ना कुछ मुद्दे में रहने के लिए उलूल जुलूल योजनाएं लागू करेंगे और देश को भड़काएंगे, दंगा भड़काएंगे, देश के अखंडता के साथ खिलवाड़ करेंगे। इतने लोग जो है, इनके एक रात के फैसले से कितना नुकसान हो रहा है ये समझना पड़ेगा। हर चीज लॉन्च हो जाती है फिर बाद में फायदे गिनाए जाते हैं, इसमें सेना को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था। अब फैसले लिए सरकार ने और वो बता रहे हैं वहाँ पे, वो प्रेस रिलीज कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, ये एक्चुअली ये अच्छी बात नहीं है। वहाँ पे सरकार के मंत्री क्या कर रहा है? जब सरकार ने घोषणा की तो सरकार बताए वहाँ पे क्या उसके क्या फायदे है क्या नहीं है। तो भारत के आर्मी में क्या अमेरिका और श्रीलंका के लोग आएंगे? मुझे बताओ कहाँ से लोग आएंगे? क्या मतलब आप क्या दुख बोल रहे हो कि भाई बताओ भाई भारत के आर्मी में कौन आएगा? बताइए मुझे कौन आएगा? पोस्टर में लिखा है सरकार का खोखला दावा है अग्निपथ एक छलावा है, तो क्या लग रहा है? सरकार तो बड़े बड़े दावे कर रही है, काफी सारे संशोधन इस योजना में किया जा चुका है, अब भी आप इस योजना से नाखुश हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि आप जानते हैं जब से ये सरकार आई है तब से इन्होंने हर चीज में औद्योगिकरण और बाजारीकरण शुरू कर दिया है, न केवल नौकरियों में बल्कि हर सेक्टर में, हर एक प्राइवेट पब्लिक सेक्टर को ये बेचना चाह रहे हैं। और वैसे ही अब ये जो अग्निपथ स्कीम है, ये देश के जो अभ्यर्थी है जो सेना में शामिल होना चाह रहे हैं, अपनी देश सेवा का प्रमाण देना चाह रहे हैं, उनके साथ एक मजाक है। मैं नरेंद्र मोदी से ये पूछना चाहूँगा कि अगर आपको ये लगता है कि 4 साल में कोई देश में अपनी सेवा दे सकता है, देश प्रेम अपना दिखा सकता है, तो आप क्यों दूसरे टर्म में चुनकर आए थे? आपको भी पहले टर्म में अपनी सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए था, दूसरे टर्म में दूसरे सरकार को आने देते, अपने अपना देश प्रेम दिखा दिया था। तो ये देश में उन गरीब परिवारों के साथ में एक छलावा है, उन गरीब किसान के बच्चों के साथ छलावा है जो सेना में जाते हैं, अपनी जान की बाजी लगाते हैं, उनको आप नौकरी में क्या दे रहे हैं? 4 साल की नौकरी आप उनको अग्निवीर बना रहे हैं, अग्निवीर बनाने के बाद में बीजेपी के यहाँ पर मंत्री बोलते हैं कि उनको गार्ड की नौकरी देंगे, गार्ड की नौकरी में मिलता क्या है? आप ये दिल्ली विश्वविद्यालय में गार्ड खड़े, एक बार आप इनसे पूछ के देखिए कि इनकी कितनी सैलरी है, 10,000-12,000 से ज़्यादा इनकी सैलरी नहीं है। आप उनको बोल रहे हैं कि 40,000 की नौकरी, अग्निवीर आखिरी साल में उनको 40,000 सैलरी देंगे और यहाँ पर आकर ये गार्ड की नौकरी करेंगे। बिल्कुल, जी तो हम इसलिए आज यहाँ पे सड़कों पे खड़े हैं कि जो देश के युवा हैं उनकी आवाज सुने। अब सेना जो है नौकरी मिलेगी ना, 8वीं पास भी जा सकेगा, अग्निवीर आप बन सकेगा। नौकरी देने की बात करें, हम वहाँ पर देश के अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं, किसके लिए? 4 साल की नौकरी के लिए, उसके आने के बाद में जो बेरोजगार घूमेंगे। कैलाश विजयवर्गीय कह रहे की सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी देंगे, मैं फिर कह रहा हूँ आप सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी देखिए, यहाँ पर 7,000-8,000 रुपए मिल रहे हैं इनको, ठीक है? आनंद में टैग भी तो लगेगा आपके ऊपर। किसका? भाजपा का टैग भी तो लगेगा। भाजपा का टैग अपने पास रखे, हम यूज नहीं होगा ना, हम गार्ड बनने के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे हैं ना, हम लॉकर या गार्ड नहीं तो चाहिए ही नहीं, 8वीं पास भी जा सकेगा? 8वीं पास नहीं, जब इंटेलिजेंस का सही यूज ही नहीं हो रहा, 8,000 में आज क्या होता है? चलिए हम सर्वाइव तो नहीं कर पाएंगे ना दिल्ली में, भाजपा के कौन नेता? अरे सरकार के खोखला दावा है, अग्निपथ छलावा है। अरे वो बोलते कुछ है करते कुछ है, वो अपने भाजपा वालों को क्यों नहीं गार्ड में भेज रहे? हम तो दोबारा आएंगे पार्लियामेंट में, जब एक बार संसद बन जाते तो फिर से पेंशन चाहिए, अपना पेंशन बंद करवा लेना।
अपने लिए तो दूसरी नीति है, यहाँ आम जनता के लिए दूसरी नीति है, जबकि वो मेहनत कर रहे हैं। आप जा रहे हैं एसी में, आपके लिए सब्सिडी चाहिए, खाना पे सब्सिडी चाहिए, 40 रुपए का प्लेट चाहिए, तो क्यों ये जो आम जनता है जो सही में मेहनत कर रहा था, आप उसको परमानेंसी क्यों नहीं, निश्चितता क्यों नहीं दे रहा नौकरी में, जो 40 साल का नौकरी करना चाह रहा है जिसमें सही में प्रेम है, तो आप उसको 4 साल लेके क्यों हटा रहे हैं? क्यों आपके पास कोई नीति नहीं है सही जनता के लिए? आपको इसीलिए बैठाया गया है क्या? दिनकर ने भी बोला एक सिंहासन खाली करो, जनता आती है, तो जनता चाहती है कि आप हमें सही योजना के साथ आप आए, नहीं तो आप सिंहासन खाली कर दे। लेकिन बात यही है, विधायक उन्होंने कहा जो प्रोटेस्टर्स है वो जिहादी है, वो तो ऐसे ही बोले, उन्होंने उनका दिग्भ्रमित करने की राजनीति रही है। जब किसान आंदोलन आया था वो कह रही है देशद्रोही है, उन्होंने झंडा वाला आंदोलन ला दिया। बात ये आप हर चीज को दिग्भ्रमित करते हैं। जब कन्हैया कुमार आए थे तो ये कह रहे हैं कि, जब कन्हैया कुमार आए थे तब कह रहे हैं कि ये जो है देशद्रोही है, उनपे चार्जशीट भी फाइल नहीं हुई थी। यहाँ पे भी वो वही करना चाह रही है, जिहादी है। अगर हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हम जिहादी कैसे हो सकते हैं? अगर आप हमारी मांग पूरी कर लें तो हम कैसे जिहादी? अगर हम पीसफुल भी प्रोटेस्ट करते हैं तो आप उनको जेल में भर देते हैं। लेकिन पीसफुल हो कहाँ रहा है? नहीं ऐसा, आप देखो शुरुआत में तो ये पीसफुल ही था ना, आप ये नौबत ही क्यों आने दे रहे हो? नौबत जब इंसान इंसान के पेशेंस का हद होता है ना, साइकोलॉजी भी कहती है कि गुस्सा सबके अंदर होता है, जब आप उसके पेशेंस की का एग्जामिनेशन लोगे, सब्र की अंत होती है, तो वो करेगा ही। आप रास्ता नहीं दिखाओगे तो यही रास्ता अंत है, तब तो आपको करना पड़ेगा, जला देंगे पूरा। ऐसा नहीं, ऐसा एक डेटा है कि उन्होंने खुद भड़काया है, करते वो है, नाम लगाते इन्होंने किया, भड़काते क्या भड़काया? इन्होंने आंदोलन में ये जो तत्व होते हैं, जो दंगाई तत्व, उन्होंने भेजा है। और अगर ये कर रहे हैं तो गुस्सा वाजिब है ना, आप सुन लो, नहीं करेंगे ऐसे तो जलाने का कोई मुद्दा नहीं आता। अच्छा एक बात बताइए, जो भी सुनिए जो भी भाजपा को सपोर्ट करता है वही देशभक्त है, बाकी सारे जिहादी हो जाते हैं। चाहे कोरोना के टाइम में आप देख लीजिए, चाहे फिर किसान आंदोलन में हो गया, तो भाई एक बात बताइए, सब लोग भाजपा ज्वाइन कर ले क्या? देशभक्ति का वही प्रमाण है नहीं ना? हम लोग हैं, हम लोग यही चाहते हैं कि सरकार, अच्छा बताइए, अगर इसमें खामी नहीं होती तो पूरे देश में 70 जगह से, बस बिहार की बात नहीं है, आप तमिलनाडु जाइए, केरला जाइए, राजस्थान जाइए, गुजरात जाइए, वहाँ भी दंगे हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो क्यों हो रहे हैं ऐसा? कुछ तो आप में खामियां हैं। जल्दी जल्दी में लागू कर देते हैं योजनाएं, ना आपके पास कोई प्लानिंग है अपना पीआर टीम के लिए, पीआर बढ़ाने के लिए, अपना एक आदमी को ईगो के लिए। अब नौकरी मिल रहा है तो उसमें भी हंगामा। अच्छा एक बात बताइए, नौकरी कैसी मिल रही है सर? एक बात बताइए, नौकरी कैसी मिल रही है? आप देश सेवा करने जाते हैं, आप जाते हैं पता है सर पे कफन बांध के जाते हैं देश सेवा करने, आपको पता नहीं होता है कि अगले पल आप जीवित रहेंगे कि नहीं रहेंगे। आप परिवार से दूर रहते हैं, हम लोग एसी में बैठ के रहते हैं, लेकिन वो लोग बर्फ पे पहाड़ों में जंगलों में रोज मरते हैं, उनकी कौन पूछता है? अब जब वो 4 साल के लिए जाएंगे कि 4 साल बाद मुझे रिटायर होना है, तो बताइए क्या वो जान देंगे अपनी? कुछ कर पाएंगे वो? क्या ये सरकार क्या चाहती है? सबको एक चंदा भीख मांगे लोग। मॉडर्न क्या होती है? सबसे बड़ी बात है ये देश सेवा की बात है, ये नेशनल सिक्योरिटी की बात है, इस पे बहस होनी चाहिए थी पार्लियामेंट में। अभी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई है PIL कि भाई ये कैसे हो गया आनन फानन में, ना आपने किसे प्लानिंग किया, ना आपने जनता के समक्ष रखा, ना आपने पार्लियामेंट में डिस्कशन की, सीधे लागू आपसे भर्ती प्रक्रिया, ये क्या चल रहा है भाई? लेकिन सेना के तीनों प्रमुख जो है इसमें शामिल थे, वो लोग तो राजी है इस चीज पे। हाँ ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, सेना भी है तो किसके लिए है? देश के लिए है ना? देश में कौन है? देश की जनता है ना? अगर देश की जनता खुश रहती तो हर जगह दंगे क्यों भड़कते हैं? आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि भाई कौन भड़का रहा है? ये भाजपा कह रही है कि आप लोगों को बरगलाया जा रहा है। अच्छा देखिए, भाजपा तो हमेशा कहती है कि उनके खिलाफ जो बोले उनको बरगला, आप बच्चे हैं क्या बरगला जाइएगा? जो साथ सारे देश में जो हो रहा है विरोध, सब बच्चे हैं, इन्होंने इनकी ऐसी ऐसी योजनाएं रही है सारी विफल, देश की अर्थव्यवस्था को नरक में फिटेल दिया है, और जैसे जैसे ये करेंगे अर्थव्यवस्था बर्बाद किया है, ये कुछ ना कुछ मुद्दे में रहने के लिए उलूल जुलूल योजनाएं लागू करेंगे,
और देश को भड़काएंगे, दंगा भड़काएंगे, देश के अखंडता के साथ खिलवाड़ करेंगे। लेकिन अब ये भी साफ हो चुका है, आर्मी चीफ ने ये साफ कर दिया, जिन लोगों का प्रोटेस्ट में एफआईआर में नाम होगा प्रोटेस्टर्स का, उन्हें अग्निवीर नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, नहीं बनाए। अगर ऐसा है तो फिर देश में देखते हैं कितने लोग जाते हैं भाई, सेना में कौन जाते हैं? छोटे तबके के, गरीब मजदूर किसान के बच्चे जाते हैं। कभी आपने सुना है कि आईएएस आईपीएस डॉक्टर इंजीनियर के बेटे जाते हैं? बहुत रेयर केस में जाते हैं। देश सेवा का जुर्म क्यों होता है? क्योंकि उनके खाने की लाली पड़ी होती है, पेट में अन्न नहीं होता, इसलिए जाते हैं वो देश सेवा के लिए। तो देखते हैं फिर चला ले फिर सरकार, जब ऐसा है कि अगर कुछ ही तबकों को लेकर चला लेना है सरकार तो फिर चलाए, फिर सबको सबको बर्खास्त कर दे। ऐसे नहीं चलता है। यहाँ विरोध प्रदर्शन में तो आप दो चार लोग ही दिख रहे हैं, ज्यादा लोग तो संख्या है ही नहीं आपकी, ऐसे ही होगा। परमिशन नहीं मिल रहा है, अच्छे नंबर्स के साथ आएंगे, परमिशन अभी कम समय के साथ नहीं मिल पाया। देखिए आप लोगों की जो जिससे देख रहे हैं ना, जो फौज है ना, लोग वो बात सही बात है। और हम लोग देखिए एज ए लॉ फैकल्टी के स्टूडेंट, हमारे कॉलेज के स्टूडेंट, हम लोग रख रहे हैं कि हम आप लोगों के साथ हैं, हम युवाओं के साथ हैं, उनकी मांगे जायज है, बस वह शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करें। और इस सरकार को झुकना पड़ेगा क्योंकि ये अग्निपथ है, छलावा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीनों प्रमुखों से मिलने वाले हैं, मीटिंग होने वाली है, क्या लग रहा है इस मीटिंग में क्या तस्वीरें सामने आ सकती हैं? और जो जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं और युवा ये कह रहे हैं कि इन्हें वापस ले, प्रधानमंत्री ये फैसला लेंगे या नहीं? देखिए जब शुरू शुरू में किसान आंदोलन हुआ था तो लोग कहते क्या थे कि ये तो बकवास है, कोई एक आदमी है एक राज्य में हो रहा है। लेकिन आपने देखा किसान आंदोलन देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि एक पूरी बहुमत की सरकार ने पार्लियामेंट से पास हुए लॉ को वापस ले लिया। तो क्या लग रहा है ये वापस होगा? जिस जरूर लेंगे, क्यों नहीं होगा? जब तक नहीं होगा जब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा, जरूर चलाएंगे। कल तो मोदी जी ने भाषण दिया है और कह दिया है कि भाई फायदेमंद योजना को समझने में टाइम लगता है। देखिए ये वैसे बात है कि बस मोदी जी ही समझते हैं और कोई नहीं समझता है इनकी योजना। तो मोदी जी को समझना चाहिए कि मोदी जी आप अच्छे हैं, ठीक है, जनता का भी ध्यान रखिए। मोदी जी ने कहा है कि दुर्भाग्य है देश का कि अच्छी योजना जो है राजनीति में फंस जाती है। तो राजनीति तो सबसे पहले मोदी जी ही कर रहे हैं। आप बताइए प्राइवेटाइजेशन ठीक है, कहाँ नहीं किया, आर्मी में भी प्राइवेटाइजेशन, ये क्या है भाई? कॉन्ट्रैक्ट सेवा आर्मी में कब से? कौन करेगा देश सेवा भाई कॉन्ट्रैक्ट पे? चार साल के लिए आप जाएंगे, आपके परिवार के लोग जाएंगे चार साल के लिए? अच्छा सुनिए, उनकी बेटी कह रही है मैं एक्ट्रेस ना बनके अग्निवीर बनना चाह रही है। अरे उनका अपना प्रोपेगेंडा है, वो चलाएंगे, वो तो कभी जाएंगे भी नहीं। सुनिए प्रोपेगेंडा है वो कितना जाएंगे आपको नहीं पता। आप ये बताइए जितने लोग आपको दिख रहे हैं, चाहे बिहार में हो, दिल्ली में हो, तमिलनाडु में, तेलंगाना में हो, इतने लोग जब छात्र बिहार में यूपी में जो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या इतने विद्यार्थी उसके समर्थन में आप प्रदर्शन करते हुए दिख पा रहे हैं? रजिस्ट्रेशन अभी होने जा रहा है, रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे लोग? बिल्कुल नहीं करेंगे। ऐसी बेवकूफ और बकवास योजना में हम रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे जिसमें हमें चार साल के लिए नौकरी मिले। बदलाव इतने बेहतरीन कह रहे हैं, बदलाव हो चुके हैं, रक्षा मंत्रालय में बदलाव, 10% रिजर्वेशन अग्निवीरों को मिलेगा, बदलाव है, लेकिन ये बदलाव गलत डायरेक्शन में है, ये नेगेटिव बदलाव है। हमें रोजगार चाहिए था लेकिन चार साल की नहीं, का उम्र उसमें हो क्या रहा है ना कि ये एक स्ट्रगल होता जा रहा है। मतलब ये कोई भी योजना को लॉन्च कर दिया जाता है उसके बाद फायदे गिनाए जाते हैं, इसके बाद फायदे गिनाए जाते हैं। मतलब इससे आप पूरी चीज देख, चाहे जीएसटी हो, चाहे किसान आंदोलन का जो बिल था वो ऐसे ही होता है, पहले लॉन्च कर देते, डेमोनेटाइजेशन वाली चीज है। आज उनसे जबरदस्ती थोड़े बुलाया जा रहा है, आपको जाना है, जाए, नहीं जाना है। एक मिनट, तो भारत के आर्मी में क्या अमेरिका और श्रीलंका के लोग आएंगे? मुझे बताओ कहाँ से लोग आएंगे? क्या मतलब आप क्या तुक बोल रहे हो कि भाई बताओ भाई भारत की आर्मी में कौन आएगा? बताइए मुझे कौन आएगा? सबसे सुनिए, ये वही आर्मी चीफ है कि एक साल नौकरी के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दिए कि मेरा डेट ऑफ बर्थ गलती से लिखा गया है एनडीए के टाइम। ये बात बहुत अच्छी, अपना बुढ़ारी में एक साल नहीं छोड़ रहे हैं और युवाओं का काटने पे तुले हुए हैं, यही राजनीति है। रिटायरमेंट का वीकेसी का आपका रक्षा ध्यान होगा आपको, तो 1950 में उन्होंने डेट ऑफ बर्थ, आपको पता होगा उनका एज रो हुआ था उसमें, एक साल रिटायरमेंट का जो था उन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट में सरकार को घसटा था। शायद ये पहला पूरे देश में ऐसा मामला हुआ है कि एक सेना चीफ जो है
ये सरकार को जो है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में ले गया है और सुप्रीम कोर्ट ने मना किया एक्चुअली, उनको मुंह की खानी पड़ी वहाँ पे। तो एक अपने जब रिटायरमेंट की बात आती है तो एक साल खुद उनको ज्यादा चाहिए, उनको खुद ज्यादा चाहिए। और लेकिन अपने जो युवाओं के बारे में जो है खुद पाखंड है ये, और खुद 71 साल की एज में नागरिक राज्य उड्डयन मंत्री है, वो मंत्रालय है जहाँ पे खुद मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि वो उस मंत्रालय में जहाँ एक विमान भारत सरकार का नहीं है, मतलब विमान ही नहीं है लेकिन विमान मंत्रालय चल रहा है, मतलब जो है राज्य मंत्रालय भी है उसमें और केंद्र, मतलब ये कौन है सिंधिया माधुरा सिंधिया कौन है ज्योतिरादित्य सिंधिया, मतलब सोच सकते हैं आपकी, मतलब बिना विमान के मंत्रालय चल रही है पूरा पूरा। ये लोग वोट दिए है ना? नहीं नहीं, तो ये बात वोट भी हमने दिया है इसलिए लोगों का प्रोटेस्ट भी हम कर रहे हैं, वोट भी दिया है इसलिए लोग प्रधानमंत्री को आपने खुद ही चुना है तो उस प्रधानमंत्री की बातों पर भी तो आपको भरोसा करना। देखिए बात ये है कि सरकार में हमारे पास जब तक सरकार है इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने चीजों का प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, अगर कोई सरकार गलत फैसले लेती है तो हमारा अधिकार है कि हम उन चीजों को सामने रखें। तो यही संयम, यही देखिए यही संयम है जो आपसे हम बात कर रहे हैं। संयम, संयम का उदाहरण देखिए कि हम लोग अगर इससे बड़ा संयम। और एक बात और, जैसे इमरजेंसी की बात भी आती है तो इमरजेंसी में तो गवर्नमेंट नहीं लगाई थी ना, वो भी तो संविधान में एक प्रावधान था, तो क्यों हम लोग उसकी आलोचना करते हैं? आप भूतपूर्व नहीं कहलाएंगे, इससे क्या दिक्कत हो रही है? आपको भूतपूर्व नहीं कहलाएंगे, चार साल बाद आराम से दूसरी नौकरी कर पाएंगे ना। देखिए उसमें क्या है ना, उसमें देखिए उसमें जो कहा गया है कि अप टू 25% जो है वो रेगुलराइज करेंगे, अप टू 25% में वो कितना होगा ये भी किसी को पता नहीं है। और ये जब सरकार जब एम्प्लॉयमेंट की बात करती है तो लोगों को मजाक लगता है, क्योंकि पता है कि एम्प्लॉयमेंट की स्थिति क्या है भारत देश पूरे देश में। अब ये कह रहे हैं कि चार साल बाद क्या होगा, तो अभी आप देख सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट कितनी ज्यादा देश में बढ़ी हुई है, तो ये कैसे ये होगा कि चार साल बाद उनको वो मिलेगा? पहले एक चीज तो ये है, देखिए सबसे पहली बात तो ये हम जाने कि ऐसा क्यों लाया गया। पहली बात तो ये है कि ये चीजें लाई गई हैं वो पेंशन की जो रकम जो खर्च हो रही थी वो बचाने के लिए लाई गई है वो, तो इसके लिए सबसे मूल बात जो होती है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है ये पूरा बहुत ही वो गिरती हुई, मतलब ढलान पे है वो, तो इसलिए जो है सब ये सरकार जो है अपनी अर्थव्यवस्था को सही करने में नाकाम रही है। इसलिए आप देख रही कहां से खर्च कटौती किया जाए, तो पहले इन्होंने किसानों वाला बिल वहां लाया, अलग अलग उलझ जुलूल फैसले किए, अब ये काम कर रहे हैं यहाँ पे सेना में वो खर्च कम करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कोई भी स्कीम युवाओं के लिए नहीं, एक्चुअली पेंशन स्कीम को पेंशन में जो पैसे खर्च हो रहे हैं सीधी सी बात है उसको बचाने के लिए किया जा रहा है। देश के प्रधान है, उनकी बातों को उलझुलूल बता रहे हैं आप? देखिए सीधी सी बात है कि फैसले जो है सही भी होते हैं गलत भी होते हैं, हमने उनको चुना है लेकिन हमारा अधिकार है, अगर वो फैसले हमारे हित में नहीं है तो हम उन बातों को रखें। तो वो उन्होंने पिछले बार भी जो है जो किसानों वाले मुद्दे पे भी बोल रहे थे, मैं ये जानना चाहता हूँ डिमोनेटाइजेशन का फैसला उन्होंने क्या बोला था कि अगर मैं गलत होता हूँ तो मुझे चौराहे पे आप मुझे वो करें। अब क्या हुआ, आज आप पूछ लीजिए डिमोनेटाइजेशन का क्या फायदा हुआ? आज करेंसी जो है नकली नोट की संख्या आप देख अभी डेटा देख लीजिए उतनी ज़्यादा पहुँच गई है, और हमारे पास 99% जो है जितने पैसे डिमोनेटाइज हुए सारे पैसे आ गए, उसकी वजह से पूरा ये अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गया। तो ये तो फैसले तो प्रधानमंत्री ने लिए थे ना, एक रात में लिए थे। आप हर चीज़ में देख लीजिए, लॉकडाउन में देख लीजिए, एक रात में फैसले कर दिया लॉकडाउन का, ये क्या तुक बनता है? कितने लोग जो है इनके एक रात के फैसले से कितना नुकसान हो रहा है ये समझना पड़ेगा। हर चीज़ लॉन्च हो जाती है फिर बाद में फायदे गिनाए जाते हैं, तो ये जो तरीका जो हमें ये कहना चाहते हैं कि पहले जो प्रधानमंत्री जी ये फैसले ले लेते हैं बाद में उस पर मंथन करते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है ये, वो कोई मैं नहीं कह रही ऐसा लोग, आप ही ऐसा लोग नहीं है, सब जानते हैं ऐसा कोई भी सोच विचार करके फैसले नहीं लिया जाता है ये जो कि लेना चाहिए। ये जब आर्मी के मसले, हालांकि आप देख लीजिए ये अच्छा एक ट्रेंड नहीं चल रहा है कि फैसले सरकार ले रही है उसको डिफेंड जो है वो सेना अध्यक्ष कर रहे हैं, सेना के लोग कर रहे हैं। सेना जो है हमेशा से ही भारत में वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं रही है, वो जब पॉलिटिकल जब फैसला है तो इसमें सेना को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था। अब फैसले लिए सरकार ने और वो बता रहे हैं वहाँ पे, वो प्रेस रिलीज कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, ये एक्चुअली ये अच्छी बात नहीं है। वहाँ पे सरकार के मंत्री क्या कर रहा है? जब सरकार ने घोषणा की तो सरकार बताए वहाँ पे क्या उसके क्या फायदे हैं क्या नहीं है, तो सेना आगे क्यों कर रही है वो? सेना बताइए कि हमें कि वो पेंशन वाले उसको हम रिटायर कर रहे हैं, सेना के अफसरों को क्या फर्क पड़ा है? एक्चुअली जो आम आर्मी है उनको फर्क पड़ा है ना, आम जो लोग सिपाही हैं उनको फर्क पड़ा है। तो ये चीज़ें हैं, ये हमेशा से ही ये गलत फैसले लेते आए हैं, और हमें भले ही प्रधानमंत्री हैं उनका रिस्पेक्ट भी करते हैं लेकिन हम उनके फैसलों का जो लोकतांत्रिक तरीके है उसके तरीके से हम उसका विरोध करेंगे, हमेशा ही करते आएंगे। अगर ऐसी चीज़ें करेंगे वो, अगर अच्छा चीज़ करते हैं तो उसकी तारीफ भी की जाएगी। अभी जो है अग्निपथ को लेकर ही यहाँ पर लगातार दिल्ली विश्वविद्यालय के 8 फैकल्टी पर यहाँ पर लगातार जो है प्रदर्शन हो रहा था, और प्रदर्शन करने की सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदर्शन करने की इन्हें परमिशन नहीं दी गई थी क्योंकि अग्निपथ को लेकर ये प्रदर्शन करना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर दो चार लोग मौजूद थे जो इस
इसका विरोध करते हैं, लगातार यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए खड़े रहे, क्योंकि यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं पुलिस जो है यहाँ पर मौजूद है, पूरी पुलिस आ चुकी थी, पुलिस की गाड़ी भी यहाँ पर मौजूद है, पूरी जो है सीआरपीएफ के जो जवान है वो भी यहाँ पे मौजूद है कि कहीं किसी तरीके की यहाँ पर जो है विरोध प्रदर्शन भड़क ना जाए, उसी के चलते यहाँ पर लगातार जो है इस तरीके से माहौल बना हुआ है, आप सामने देख सकते हैं किस तरीके से। लेकिन जब ये अग्निपथ के लिए इस तरीके की कॉल दी जाती है, लगातार ऐसे प्रोटेस्ट को रोक दिया जाता है या फिर वहीं पर बैरिकेडिंग कर दी जाती है, रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, लगातार रूट लगा दिया जाता है, इसी तरीके से आज ये लोग भी यहाँ प्रदर्शन करने आए थे लेकिन इन्हें परमिशन नहीं मिली, बावजूद उसके इन्होंने कुछ कहना चाहते थे तो इसलिए इनसे हमने बात की, मगर युवा जो हैं अभी भी भड़के हुए हैं। प्रधानमंत्री जी चाहे कितने भी फायदे गिना दें इस अग्निपथ के, लेकिन आप सामने देख सकते हैं पोस्टर्स पर लगातार लिखा हुआ है अग्निपथ वापस लो, रोल बैक अग्निपथ स्कीम, यूथ फॉर स्वराज ड्यू, यानी कि ये विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, युवाओं में अभी तक आक्रोश है, अभी भी जो युवा है वो इस अग्निपथ स्कीम को जो है मान नहीं पा रहे हैं, अपने दिमाग से जो है निकाल नहीं पा रहे हैं कि ये स्कीम ऐसी क्यों लागू की गई है। लेकिन जो है लगातार पीएम प्रधानमंत्री जी फायदे बता रहे हैं, मंच से कभी भाषणों से फायदे बता रहे हैं, लेकिन युवा जो है अभी भी अपनी जो है मांगों को लेकर डटे हुए हैं कि इसको वापस लेना होगा, ऐसी स्कीम को हम लात मारते हैं, ऐसी स्कीम को हम मानते नहीं हैं, और सेना के जितने भी भूतपूर्व कहलाने का हमें नहीं हक चाहिए, हमें सिक्योरिटी गार्ड नहीं बनना है, हमें सेना के लिए जवान जो हम बनना चाहते हैं उसके लिए कुर्बान होना चाहते हैं, हमें वही भर्ती चाहिए, पहले जैसी स्कीम थी आर्मी में वैसे ही उन्हें चाहिए, वही उसी पे ही अड़िग हैं। और इसके साथ आप देखते रहिए जनहित आवाज़, मेरे धर्मेंद्र सहयोगी के साथ में पूजा, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।